Hello everyone, this is Jash and you are watching Crazy Automobile. दोस्तों KTM Adventure 390 के एसेसरीज अनबिल्ड हो चुके हैं. आइए देखते हैं कौन से एसेसरीज अनबिल्ड हुए हैं अब तक. तो ये है इसके डिस्क ब्रेक जो 5mm थिक है, आगे पीछे दोनों टायर के लिए अवेलेबल है. एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर जो अल्मोनियम से बना हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है. अब सेकेंड थिंग है हैंडल पैड, हैंडल बार जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. अगर आप इसे लगाओगे तो आपकी बाइक नेक्स्ट लेवल की लगेगी. वन पीस सीट ऑफ रोड के लिए वन पीस सीट बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और बहुत कंफर्टेबल भी है. हेडलाइट गार्ड, इसे लगाने से सेफ्टी तो मिलता है हेडलाइट को, पर आगे जाके इसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है. विंडशील्ड, जिसे आप विंड प्रोटेक्टर भी बोल सकते हो, क्लियर वाइजर के साथ आता है ये. आप इसे रैपिंग भी करा सकते हो, मैट ब्लू, ब्लैक, जो भी आपको पसंद हो वो. और अब बात करते हैं इसके टोराटेक फोन माउंट. इसमें आपको कोई भी फ़ोन फिट कर सकते हो बिना किसी डर के. GPS ब्रैकेट जो आप अपने बाइक में फिट कर सकते हो और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. रियर बैग 24 to 36 लीटर का वाटरप्रूफ बैग है ये. लॉन्ग टूर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही यूज़फुल रहता है ये बैग. आप इसे लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और कहीं भी जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. पैनियर्स, जिसे आप साइड बैग भी कह सकते हो, लाइट वेट वेदर प्रूफ मटेरियल है ये. इसे लगाने से आपकी बाइक में नेक्स्ट लेवल का लुक आएगा और आप इसे कहीं भी कभी भी लगा के कहीं भी जा सकते हो बिना किसी डर के. रेकलेस क्लच किट, ये ऑटोमेटिक क्लच किट है, बहुत ही यूज़फुल है और आप इसे कभी बिना क्लच के भी बाइक चला सकते हो, बिना क्लच लिए भी बाइक चला सकते हो. एक्रापोविक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट जो टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील से बना है, बहुत ही लाइट वेट क्वालिटी का है ये और बहुत ही अच्छा साउंड करता है. क्रेस बैंक, ये आपके फोग में लगता है जो डैमेज होने से बचाता है. रोडलॉक ब्रेक लॉक, इसे आप डिस्क ब्रेक लॉक भी कह सकते हो, आप डिस्क ब्रेक में इजीली इसको आप लॉक लगा सकते हो. ये सब अनवील हो चुका है. तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.